अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं? आपके फेवरेट सब्जेक्ट के साथ फेवरेट है आप लोगों का उर्दू? क्या हुआ, मुंह क्यों बन रहे भाई? पढ़ना है हमें, फेवरेट हो या ना हो। तो आज हम आए हैं उर्दू की बुक के साथ और हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम। क्लास वन में भी पढ़ी थी हमने हम, ठीक है, आज भी हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन मजीद डिटेल्स के साथ, गहराई के साथ, ठीक है। हम थोड़ा सा एक रिविजन कर लेते हैं। हम क्या होती है भाई, हम देख ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, अल्लाह ताला की अजमत बयान की जाए, अल्लाह ताला की शान बयान की जाए और बताया जाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई। कभी कभार उसमें उन चीजों के फायदे भी बताए जाते हैं, कभी कभार सिर्फ उन चीजों का जिक्र किया जाता है, कभी कभार उन चीजों की किस्मों का जिक्र किया जाता है। अब देखते हैं हमारी जो आज की नज़म है उसमें किस चीज का जिक्र है, ठीक है। इसको लिखा है हफीज सिद्दीकी ने, पढ़िएगा, बहुत प्यारी नज़म है और ये मैं आपको दिखा भी दूं। हमारा है ये पेज नंबर 5, ठीक है। मैं भी अपने पास रखती हूँ और आपने भी। अच्छा, जब भी हम कोई भी बुक वर्क करेंगे हम उस पर डेट एंड टाइम जरूर मेंशन करेंगे। जब आप स्कूल आएंगे ना तो फिर आंटी ये सारा वर्क चेक करेंगे। खालिक के मालिक मेरे, क्या कहने तेरी कुदरत के। अच्छा, मेरा ख्याल से पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग समझा दूं ताकि यहाँ पर फिर हमें आसानी हो जाए। खालिक, पैदा करने वाला, बनाने वाला, तख्लीक करने वाला, ठीक है, जो कि क्या है, हम सबका खालिक कौन है, अल्लाह ताला है। सेहत, तंदुरुस्ती, जब हमें कोई बीमारी नहीं होती ना, हम तंदुरुस्त होते हैं तो वो हम सेहतमंद कहलाते हैं उसका। करम, मेहरबानी या अनायत, बिन, बगैर। दुख, तकलीफ, परेशानी या मुसीबत। रखवाला, हिफाजत करने वाला, देखभाल करने वाला। बख्शना, दे देना, अता करना। बख्शना की मीनिंग माफ करने भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बख्शना की मीनिंग है देना। ए खालिक, ए मालिक मेरे, क्या कहने तेरी कुदरत। यहाँ पर जो शायर है अल्लाह ताला को मुखातिब करके क्या कह रहे हैं, ए खालिक, ए दुनिया बनाने वाले, ए मुझे बनाने वाले, क्या कहने तेरी कुदरत के। कुदरत, ताकत, क्या कहने तेरी कुदरत के, क्या कहने तेरी ताकत के, यानी कि हम उसको बयान ही नहीं कर सकते, हम चाहे भी तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। दुनिया की हर शे तेरी है, शे चीज, दुनिया की हर शे तेरी है, जो कुछ भी है तेरा ही है। दुनिया की हर शे, क्या हर शे, क्या सूरज, चांद, सितारे, हम, जमीन, आसमान, ये तो वो चीजें हैं जो हम डेली देखते हैं कि ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये अल्लाह ताला ने बनाई है। लेकिन अगर दरख्त का टूटा हुआ पत्ता भी है जो कि टूट गया है, जिस पे खिजा आ गई है, जो येलो हो गया है, जो बिल्कुल चुरमुर हो गया है, वो भी अल्लाह ताला ने बनाया। पत्थर के नीचे कीड़ा, आपने देखा जब हम पत्थर हटाते हैं तो सैकड़ों जो है वो छोटी छोटी चीजें जो है वो भागने भाग होते हैं, बीज होते हैं उसमें, भवरे होते हैं उसके अंदर। तो हर चीज जो है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, हद तक कि वो चीज जिसे हम देख नहीं सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम नहीं देख सकते, हवा नहीं दिखती हमें, गैस नहीं दिखती हमें, बट वो फिर भी दुनिया में है। जो कुछ भी है, बड़ा है, छोटा है, जाहिर है, बातिन है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हमारे पास है, हमारे पास नहीं है, हमारे फायदे के लिए, हमारे नुकसान के लिए, सब कुछ तेरा ही है। रिस्क मुझे तू ही देता है, तू ही मेरा रखवाला है। रिस्क मुझे तू ही देता है, मुझे, हर जिंदा चीज को, हर जानदार को, जो रिस्क मिल रहा है वो कौन दे रहा है, अल्लाह ताला। आपको पता है कभी कभी इंसान के दिमाग में बात आती है कि अल्लाह थोड़ी दे रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं तो हम कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो खा रहे हैं, तो फिर आज क्या हुआ, आज की सिचुएशन देखी आपने, आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, आप में इतना टैलेंट है, फिर भी आप इस वक्त बेरोजगार हो गए, फिर भी आपके पास गाड़ी है, फोर व्हील है, फिर भी आप एक इलाके से दूसरे इलाके नहीं जा सकते, क्योंकि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो अल्लाह की रजा से ही मिल रहा है। जब अल्लाह की रजा नहीं होती वो चीज हमें नहीं मिलती। तू ही मेरा रखवाला है, रखवाला, हिफाजत करने वाला।
अब अगर इंसान ये सोचे कि कोई नहीं, अल्लाह तो हिफाजत नहीं कर रहा, हम तो अपने घर में हैं इसलिए हम महफूज हैं, तो जब अल्लाह हमारे रखवाली करना छोड़ देते हैं तो फिर हमारे घर में भी हम पे हादसा हो जाता है। आपने देखा अभी तैयारा गिरा, जो लोग घर में सो रहे थे, जो लोग घर में महफूज थे, उनके ऊपर भी मौत आ गई, और जिसको अल्लाह ने जिसकी रखवाली करनी थी वो उस प्लेन क्रैश में भी बच गया, दो लोग बचे ना उसमें भी। तो रखवाला हमारा अल्लाह है, फिर चाहे हम समंदर के बीच में ही क्यों ना हो, अल्लाह हमारी रखवाली कर रहा है तो हमें जिंदा बच जाएंगे। तू ही सलामत रखे मुझको, तू ही सेहत बख्शे मुझको। हमारी सलामती हमारी वजह से नहीं है, हमारी सेहत हमारी वजह से नहीं है, ये सेहत किसने बख्शी? अल्लाह ने। फिर वही कहूंगी, करंट सिचुएशन, आपके डिसीजन। आपने देखा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल कौन रख रहा है? डॉक्टर्स सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब उनकी मौत आ रही है तो डॉक्टर भी मर रहे हैं। और आपने देखा कुछ जो कूड़ा उठा रहे होते हैं लोग, कूड़े पे से कितने जर्म्स उनके साथ लगे होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने जब तक उनको सेहत बख्शी है, जिंदगी बख्शी है, दे आर अलाइव, जिंदा है वो लोग। तो अच्छा, अब इसका ये मकसद कतई नहीं है कि हम एहतियात ना करें, हम जर्म्स से सेफ्टी ना करें। आप बिल्कुल सैनिटाइजर भी यूज कीजिए, सब चीजें यूज कीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी सेहत और हमारी सलामती अल्लाह ताला ही की तरफ से है। जब तक अल्लाह ताला राजी है हमसे, जब तक अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में सेहत सलामती लिखी है, हम रहेंगे सलामत। दूर तू ही करता है हर दुख, तेरे कब्जे में ही है सुख। आपने देखा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि इतने हमें लगता है कि बड़े दुख आ गए हमारे ऊपर, अल्लाह की तरफ से आते हैं, और फिर अचानक एक हवा चलती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। या कभी कभार सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, फिर अचानक से क्या होता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये जो हमारी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, या जो दुख जा रहे हैं, सुख आ रहे हैं, ना दुख रुक रहा है ना सुख रुक रहा है, ना दुख हमेशा है ना सुख हमेशा है, ये दुख और सुख, दुख किस लिए आते? ताकि हम अल्लाह को याद करें, हमारे जहन में रहे कि अल्लाह ताला है। सुख किस लिए आते हैं? ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो खुशी हमारे तक आई है, हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये खुशी हमारे साथ हमेशा रहे, हमारे साथ भी रहे, दूसरों के साथ भी। जो दुख आते हैं तो हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ये दुख हम पर आ गया है, आइंदा इस दुख से हमें महफूज रखना, या इस दुख से निमटने की हमें तौफीक अता फरमाना। बिन तेरे नहीं कोई मेरा, शुक्र अदा करता हूँ तेरा। बिन तेरे नहीं कोई मेरा, एक वक्त लाइफ में ऐसा आता है जब हमारे सब अपने सब बहन भाई अम्मी अब्बू सब क्या हो जाते हैं, या तो दूर हो जाते हैं या अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कब होता है? जब अल्लाह हमारे साथ नहीं होता। बिन तेरे यानी कि अल्लाह अगर हमारे साथ नहीं है तो फिर कोई रिश्ता हमारे साथ नहीं, फिर कोई आपका साथ नहीं देता। जब अल्लाह आपके साथ नहीं, जब अल्लाह ने आपके नसीब में कोई परेशानी लिख दी, तो फिर कोई भी आपको उस परेशानी से बचा नहीं सकता सिवाय दुआ के। शुक्र अदा करता हूँ मेरा, और इसी बात पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर वही बात कि जब तक अल्लाह की रजा हमारे साथ नहीं है, हमारा चाहने वाला, चाहे वो हमारे माँ हो चाहे वो हमारे बाप हो, हमें उस तकलीफ से नहीं बचा सकते। जैसे कि बीमारी, आपने देखा छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनके पेरेंट्स किस तरह खड़े होते हैं, वो मेडिसिन भी दे रहे होते हैं, इंजेक्शन भी लग रहे होते हैं, फ्रूट्स भी दे रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो बीमारी बच्चे पे मुसल्लत रहती है वो कुछ नहीं, वो कोशिश कर सकते हैं लेकिन वो उसे उससे बचा नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला उसको शिफा ना दे। बिन तेरे नहीं कोई मेरा, फिर बता दूं कि जब तक अल्लाह हमारे साथ नहीं है, अल्लाह की रजा हमारे साथ नहीं है, दुनिया का कोई रिश्ता हमें फायदा नहीं पहुंचा सकता, हत्ता कि हमारा मर्तबा हमारा रुतबा भी हमें फायदा नहीं पहुंचा सकता। मुझ पे करम की एक नजर कर, खाली है झोली मेरी भर। आखिर में जो शायर है सिद्दीकी साहब, वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरी झोली खाली है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हो सकता है उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरी खाली झोली को भर दे, मुझे हर वो चीज अदा कर जो मैं चाहता हूँ। लेकिन एक चीज, जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह से ये ना मांगे कि अल्लाह मुझे ये अदा कर, अल्लाह से ये भी कहें कि अल्लाह जो मुझे अदा कर उसमें मेरे लिए खैर बरकत डाल। पता है कभी हम ऐसी चीज भी मांग लेते हैं जो हमें सूट नहीं करती, और वो चीज आते ही हमारे पास हम हादसे का शिकार हो जाते हैं। देखा ना कैसे नई नई बाइक्स पे लोग फर्स्ट डे बैठते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गई है इसकी वर्ड्स मीनिंग, पेज नंबर 6 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। हम भी कोशिश करेंगे
और एक चीज हम खुशखती बहुत करेंगे, हम अपने घर पे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करेंगे, ठीक है। रिटन डिमेंशन करेंगे नज़्म के ऊपर, 2 से 3 बार उसको पढ़ेंगे, और अगर जबान ही याद हो जाए तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा फिर हम होमवर्क की बात कर लें। होमवर्क है हमारा, सवाल नंबर 1, सफा नंबर है हमारा 7, ठीक है। इसमें आपको जब आप 2-3 बार नज़्म पढ़ लेंगे तो आपको इसके ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने ऑप्शन को फिल करते जाना है। जैसे सबसे पहले हमारा मुझ पे करम की 1- कर, रखवाला कर नहीं, कुदरत कर नहीं, नजर कर, नजर को आप यहाँ से काटेंगे, कट करेंगे और यहाँ पे आप इसको फिल करते जाएंगे, तो एंड में आपके एक्सरसाइज खुद सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आएंगे। अल्लाह।